तैलंग स्वामी के चरणों में राम कृष्ण मत्था टेकते तो सिर उठाने का मन नहीं करते, बोले साक्षात शिव है। अरे सभी साक्षात शिव है बाबा, केवल थोड़ा समय निकाल के अपने शिव स्वरूप में ध्यानस्थ हुआ करो। श्वास की माला देखो, सत्संग ऐसा नहीं ध्यानस्थ के बहाने अपनी कल्पनाओं के राज्य में खो जाओ, नहीं नहीं, सारी कल्पनाओं से पार परमेश्वर दृष्टा स्रष्टा साक्षी मैं उसका ओम। दीर्घ प्रणव का जाप करो, पहले हर्ष प्रणव का, फिर दीर्घ का, फिर पिलूत का जाप करो, फिर विश्रांति लो। खान पान में संयम रखो, संपर्क में थोड़ा संयम रखो। जब तक प्रभु नहीं मिले तब तक थोड़ी सावधानी बरतो। पुरानी आदत है मन की, इंद्रियों की, सत्संग का मनगढ़ित अर्थ करके आप फिसलने का रास्ता ना ले। फिसलने से जो बचे हुए पुरुषों की सीख मान ले। तो कल का सत्संग था, भगवान ने अपनी उपासना के 8 केंद्र बताए। मेरी मूर्ति की सेवा पूजा और उसको एक टक देखते हुए एकाग्र होना, ये भी मेरी उपासना है। यज्ञ आदि के द्वारा वातावरण में भी शुभ संकल्प फैलाना, इदम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः, वरुणाय स्वाहा, इदम वरुणाय नमः। तो ममता हटाने की रीत जो यज्ञों में बताई गई वो भी मेरी उपासना। जल में मेरी भावना, अग्नि में मेरी भावना, सूर्य में मेरी भावना, चंद्र में मेरी भावना, ये भी उपासना है। ब्राह्मणों में मेरी भावना, जो सदाचारी संयमी ब्राह्मण है वो भगवत स्वरूप है। और ब्राह्मणों को जहां ब्रह्म प्राप्ति हुई, ऐसा सत्य का साक्षात्कार किए हुए सतगुरु में मेरी भावना, और उसके वचन सुनकर जो मुझे पूजता प्रार्थना करता और जानता है उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। सदगुरु के वचन में शबरी लग गई, सदगुरु के वचन में पूरण पूरा लग गया। पढ़ाई लिखाई नहीं थी, पूरण पूरी खाने का शौक था, लेकिन एक नाथ को एक टक देखता। और एक नाथ अपने जनार्दन स्वामी में सतबुद्धि किए थे। एक नाथ को जनार्दन भगवान साक्षात मेरे मोक्षदाता प्रभु है, तो उनके मोक्ष का अनुभव हो गया। एक दीवान को गुरु के रूप में मानते एकनाथ जी महाराज, और शत्रु ने राज्य पर धावा बोल दिया है। गुरु महाराज ध्यान कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मंत्री जी ध्यान कर रहे हैं। और मंत्री जनार्दन स्वामी मुसलमान शासक राजा के सलाहकार और मंत्री थे, और उन्होंने ऐसी सलाह और मंत्रणा करके राजा को उन्नत कर दिया था कि लोग इतवार की छुट्टी मनाते, लेकिन गुरुवार गुरुदेव का पूजन का दिवस है। देवगढ़ आदि में जहां उनका राज्य का प्रभाव था, गुरुवार की छुट्टी होती थी, गुरुदेव का पूजन। मूर्ति पूजन से हजारों गुना साक्षात गुरुदेव का पूजन, मानस पूजन। शांत होकर बैठे और गुरुजी के सिद्धांत के अनुसार अपने को डाला, भगवान के वचन के अनुसार अपने को डाला, तो भगवान की और गुरु की महापूजा हो गई। राज उन्नत हो रहा था, पड़ोसी मिलकर एक सुबह को राज्य पर धावा। राजा ने घोड़े सवार भेजे कि उनको कहो अपने राज्य पर संकट आया है। घोड़े सवार आए कि हमें मिलना है, बोले अभी नहीं, 10 के पहले हमारे भगवान बाहर नहीं आएंगे। अरे देखो तोपों का आवाज शत्रुओं के, जरा सोचो बालक, बोले मेरे कंठ में प्राण है तब तक आप आगे नहीं जा सकते, सब गुरु महाराज ठीक करेंगे, आप जाओ। समझा बुझा के उनको रवाना कर दिया। मनी मन ध्यान मूलम गुरु मूर्ति मानो के, पूजा मूलम गुरु पदम, खाली बकवास नहीं उनका जीवन था। तनिक शांत हुए, सलामी लेने जाते थे गुरु महाराज तो जो योद्धाओं का वेश पहन के जाते थे,
वो ड्रेस देखी, वो पहन ली, तलवार उठाई, सेनापतियों में और सैनिकों में उत्साह भरा और स्वयं भी ऐसे जोहर दिखाया। 4 घंटे तक दो दो राज्यों के मुखियाओं को ऐसा मार गिराया, विजय की दुंदुबियां बजी, रणभेरी बजवाकर चल पड़े और विजय की सेनाएं बजाकर वापस लौट आए। फिर वही अपना सादा बनियान कच्चा बच्चा पहन के गुरु के चौकीदार बन के बैठ गए। जनार्दन स्वामी का जय जयकार जनार्दन स्वामी के कमरे में आया, ध्यान से उठे तो ये आगे नहीं गए कि गुरु महाराज मैंने ये किया। लोगों के द्वारा उन्होंने सुना कि तुम्हारे एक एक नाथ जी है, उन्होंने आपकी लवास पहनकर ऐसा ऐसा किया। वो एक नाथ जी के द्वारा भी उसकी पुष्टि जानकर धन्य हो गए कि गुरु का कार्य शिष्य उठाकर कर ले, अब मैं तुझे भगवत दर्शन कराऊंगा। साकार भी निराकार भी, साकार दर्शन दत्तात्रेय का भी करा दिया और निराकार तत्वों में स्थिति कर दी एक नाथ महाराज की। वो एक नाथ महाराज ने भगवान के इस श्लोक की व्याख्या की कि 8 प्रकार के मेरे पूजन में सद्गुरु का पूजन सर्वोपरि, सद्गुरु का दर्शन, सद्गुरु का सानिध्य, सद्गुरु सिद्धांत में अपने सिद्धांत मिला दिया। सद्गुरु कहो, सत्य स्वरूप ईश्वर कहो, वेद भी वही बात कहते हैं। उस महापुरुष की व्याख्या के आधार पर आज का मैं ये सत्संग भी कर रहा हूं। जिनके पास एक विधवा माई का बालक दर्शन करने को बाई आई तो बच्चा आया, वहां पूरन पूड़ियां बनती थी, पूरन पूड़ी का शौक लगा, वो लड़का मां घर में कुछ भी खाना दे माला पूरन पूड़ी पाई जी। अरे काय पूरन पूड़ी पाई जी, लोगों का आटा पीस के तो रोटी बना पाते हूं, मैं नहीं खिला सकती हूँ, बोले मैं खाऊंगा नहीं। आखिर पूरन पूड़ी खाने के लिए एक नाथ महाराज को लड़का अर्पण कर, वो पूरन पूरी खाने के आदत से उस छोरे का नाम पूरन पूरा पड़ गया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति के सिद्धांत में लग गया। जब एकनाथ जी महाराज संसार से विदाय होने के लक्षण आ रहे थे तो ये भागवत की टीका अधूरी रह जाएगी। तो शिष्यों ने पूछा कि आपके हरि पंडित बेटे को कहे तो कैसा रहेगा, बोले वो पूरी नहीं कर पाएगा, शास्त्री पढ़ा है, काशी का पढ़ा है, आपके लिए भोजन तो बनाता आएगा, बोले लेकिन उसको अपना पूजवाने का भाव है, वो नहीं कर पाएगा। पूजवाने का भाव मैंने मिलाया है, उनमें नहीं लिखा है ग्रंथ में, मेरे चित्त से पूरा मैंने मिलाया है। ये पूरण पूरा को बोलना वो ग्रंथ पूरा कर देगा। बाबा ये पढ़ा नहीं है, मूर्ख है, इसको मूर्ख न बोलो, ये मेरे वचनों को ध्यान से सुनता है। वासुदेव सर्वमिति इसकी मति है, तो वो जिसकी मति वासुदेव सर्वमिति की है तो उसकी गति भी वही ऊंची हो जाएगी। हुआ भी ऐसा, जनार्दन स्वामी की कृपा से एकनाथ जी ने जो पाया और समाज को देना चाहते थे वो ग्रंथ के माध्यम से टीका करते हुए व्याख्या, उनका बेटा नहीं कर पाया, पूर्ण पूरा ने ग्रंथ पूरा कर दिया। पूर्ण गुरु कृपा मिली, मैं अपनी अक्ल होशियारी से पढ़ता लिखता व्याख्याकारों के चाटुकारी करता तभी भी मेरा सत्संग इतना मुझे संतोषदायी नहीं कर सकता था, तो आपको क्या संतोष करेगा। लेकिन गुरु कृपा से मैं जो बोलता हूँ मुझे भी संतोष है और आप लोग भी संतुष्ट हैं और देश विदेश में कितने लोग अभी संतुष्ट होते होंगे। वाह भाई वाह, आज का दिन, आज का हमारा पहला दिन वर्ष का बहुत उन्नत हुआ है। संत के दर्शन की तो महिमा है, देव दर्शन की महिमा है, दही और घी दर्शन की महिमा है, गाय बछड़े सहित की गाय के दर्शन की महिमा है, लहलाते खेत के दर्शन की महिमा है नूतन वर्ष के दिन, लेकिन सबसे सर्वोपरि महिमा है संत दर्शन के। और संत दर्शन में भी परब्रह्म परमात्मा को पाए हुए संत दर्शन, और उससे भी ज्यादा महिमा है संत वाणी सुनने की, और उससे भी ज्यादा है कि संत वाणी सुनकर आत्म संतोष का प्रसाद मिल रहा है। तो
मुझसे बड़ा नूतन वर्ष मैंने कहीं देखा सुना नहीं, जो आज तुम्हारा मैं ऊंचा देख रहा हूं और मान रहा हूं, जान रहा हूं। तुम्हारी कितनी पीढ़ियां तर सकते आज के सत्संग से, तुम्हारी कितनी गलतियां क्षम्य हो गई होगी आज के सत्संग से, तुम्हें कितनी कपिला गौद दान करने का फल होगा मैं वर्णन नहीं कर सकता। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। सतगुरु के अनुभव से आप एकाकार हुए तो समझो सतगुरु से मिल रहे हो। अमेरिका दूर नहीं है, ये पृथ्वी तो क्या अनंत ब्रह्मांड में ऐसे ऊंच आत्माएं आज के सत्संग से बहुत बहुत आह्लादित आनंदित होते होंगे। मैं ये सत्संग कहीं लिख कर पढ़ कर ये रट कर आयोजन करके नहीं बोल रहा हूँ। लड़के ने पढ़ा अथर्ववेद और व्याख्या गुरु कृपा से हो रही। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। नहीं तो तीन पढ़ा हुआ और ये सत्संग करे और डीलिट पढ़े और पीएचडी पढ़े और ये पढ़े उनके सत्संग को पाकर धन्य हो जाए। ये वर्ल्ड गिनी बुक बुक में और सारी बातें आ सकती है लेकिन इस आश्चर्य का आश्चर्य महालेखिनी का दम नहीं, और हम प्रयत्न भी नहीं करेंगे, न किया है न करेंगे। कोई हमारी प्रशंसा करे, कहीं हमारा नाम पढ़े तो हमारी तुच्छता का प्रदर्शन है। हमारे भगवान की महिमा क्या, हमारे ईश्वरीय सुख की महिमा क्या? कोई हमारी सराहना करे तब हम सुखी हो, कोई हमें बड़ा कहे तब हम बड़ा है, तो हमारे बड़पन की तुच्छता की पोल खुल जाती। कोई कुछ भी कहो अपनी भावना से, हम तो भगवान के और भगवान हमारे पास। सतृप्तो भवति, अपने आप में तृप्त रहना सीखो। स अमृतो भवति, अपने आप के अमृत को पालो। सतरति, अपने आप में तरने की जो सहजता है उसमें लगो। लोकांतारित, लोगों को आप तारने में सक्षम हो जाओगे। केवल आज की भगवत बात मान लो, वेद भगवान का वचन है, अथर्ववेद का कांड पहला सूक्त 34वां और मंत्र 3रा है, मधुमनमे निष्क्रमणम, मधुमनमे परायणम, वाचा वदामि मधु मदम, बुयसाम मधु सम दृश्ये। मधुमय प्रभु, आपकी प्रेरणा से सामने उपस्थित योग क्षेम संबंधी कर्तव्यों में मेरी प्रवृत्ति मधुमय हो। बस ये पक्का कर लो और क्या है? अर्थात उससे अपने को और दूसरों को सुख मिले, मेरे दूरगामी कर्तव्य भी मधुमय हो। मैं वाणी से मधुमय ही बोलूं, सभी लोग मुझे मधुमय दृष्टि से प्रेम पूर्वक देखें। आप सभी में मधुमय दृष्टि करोगे तो लोगों को नहीं कहोगे तो भी प्रेम पूर्वक देखें। तैलंग स्वामी के आगे प्रेम पूर्वक शरणागति शेर स्वीकार कर रहा है। सम्राट और उसके अनुयायी प्रेम पूर्वक नम जाते। मधुमय, बस आप मधुमय की दृष्टि को अपने जीवन में लाओ, बाकी सारी समस्याएं चली जाएगी। पत्नी मेरे कहने में चले, पति मेरे कहने में चले, फलाना मेरे कहने में चले, तेरा मन भगवान के कहने में चले, फिर तेरे को मौज हो जाएगी। तू भगवान के कहने में चल, सारी समस्याओं का समाधान है। तुम्हारे ज्ञान से भगवान का ज्ञान बड़ा है, ये पक्का कर लो। तुम्हारी नजरिया से भगवान की नजरिया ऊंची है। तुम्हारे सुख से भगवान का सुख बड़ा है, तो अपना थोड़ा सा सुख भगवान में मिला दो, अपना थोड़ा सा ज्ञान भगवान में मिला दो, आपका चुल्लू भर पानी भगवत अमृत में मिला दो, बस भगवत अमृत पूरा तो आपका हो जाएगा। भगवत धाम जहां काशी है, मथुरा है, अयोध्या है,
सात भगवत धाम है, वहां संयम से रहे कवि। और जहां भगवान को पाए हुए आत्मभीता महापुरुष है वहां भगवत धाम है, वहां संयम से सच्चाई से रहे। शिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी आप धर्मात्मा हो जाएंगे। धर्म का फल यह है कि आपकी शक्तियों को जो हरास करने वाली आदतें हैं उस पर आप नियंत्रण पाने में सफल हो जाए। और केवल नियंत्रण पाने के लिए न लगे रहे, नियंत्रण के स्वामी के रस के साथ जुड़े तो वो आराम से। कई लोग दोष मिटाने के लिए बस कटिबद्ध हो जाते तो दोष गहरे हो जाते, और मिटे तो दोष नहीं है ऐसा अहंकार हो जाता है। दोष मिटाने में ना लगो और दोष करने में ना लगो, निर्दोष में लग जाओ दोष अपने आप बिखर जाएंगे। दोष मिटाने में लगोगे तो दोष नहीं मिटेंगे, दोष करने में लगोगे तो दोष बढ़ जाएंगे। आप तो निर्दोष नारायण में लग जाइए बस, ईश्वर के नाते, अल्लाह के नाते। आतंकवादियों में कैसा भी भयंकर आतंकवादी हो, मैं उसे विश्व विख्यात और ऊंची नजरिया वाला व्यक्ति बना सकता हूं गुरु प्रसाद से। दुनिया में किसी की प्रसिद्धि और महानता से उसकी कम प्रसिद्धि और महानता नहीं होगी, ऐसा खजाना उनमें भी पड़ा है। मैंने वो साधना की है, मैं उस साधना में उनको बताऊं और वो थोड़ा सा करें, ऐसे हो जाएंगे कि महाराज प्रधानमंत्री का सुख भी कुछ नहीं, इंद्र का सुख भी कुछ नहीं। ऐसा बदनाम से बदनाम व्यक्ति इतना महान हो सकता है? क्योंकि महानता उसका मूल है, तुच्छता उसके विकार है, विकार आते जाते, महानता आती जाती नहीं। ऐसी महानता आपकी भी जाती नहीं है, विकार जाते आते हैं। इसलिए कैसा भी व्यक्ति उसको तुच्छ बोलो तो पसंद नहीं पड़ेगा। तू ऐसा है ऐसा है ऐसा है वो थोड़ा मान लेगा, लेकिन ज्यादा देर तुम्हारे साथ वो नहीं गुजारेगा, कन्नी काटेगा। लेकिन भैया साधो, आप ये बोलते ना मेरे में ये दोष है, ये दोष है, ये आप में नहीं है, ये तो आपके मन में है। आप मन को जानने वाले उसको जचेगा, उसकी उन्नति होगी। आपके न चाहने पर भी वो आपका प्रशंसक बन जाएगा, आपका हितेशी बन जाएगा, क्योंकि आपने भगवान की बात मान ली और वो आपकी भगवान की बुद्धि के साथ आप जुड़कर बोल रहे हैं ना, तो आपकी बात वो मान लेगा। आप भगवान की बुद्धि से अपनी बुद्धि मिला दीजिए, भगवान के मैं से अपना मैं बना ले, भगवान की नजरिया से अपनी नजरिया मिला दीजिए। भगवान सर्वभूत हिते रहता है, भगवान को पाए हुए महापुरुष सर्वभूत हिते रहता है, तो आप महापुरुष और भगवान की बुद्धि से अपनी बुद्धि मिला दीजिए। भगवान सुख दुख को स्वप्न मानते हैं, उसको जानने वाले को साक्षी को अपना मैं मानते, आप ऐसा हो जाइए। भगवान शरीर को मैं नहीं मानते और संसार को सच्चा नहीं मानते, स्वप्न है, लीला है, विलास है, आप ऐसा मान लीजिए। हो गया, आप भगवान से ऐसा नहीं कि भगवान मिले और जाके उनकी बुद्धि का कोई ऐसा कुंड बुंड होगा और अपना लोटा भर की बुद्धि उसमें डाल दूंगा, ऐसे चक्कर में मत पड़िए। ये कभी कल्पना ही ना करिए कि हम जाएंगे कहीं भगवान मिलेंगे अथवा भगवान आएंगे। अभी जो मौजूद है उसको तुम नहीं मिल पाते, तो आएंगे और जाएंगे वाले से कैसे मिलोगे, कब मिलोगे? सुबह सुबह हृदय में स्फूर्तता है वो कौन है? अभी जो बोलने की सत्ता दे रहा है वो कौन है? अभी जो सुनने में सत्ता दे रहा है, अच्छा महसूस करा रहा है, वो कौन है? कहाँ है, कितना दूर है, कितना परे है, कितना परा है? मन तू ज्योति स्वरूप, मतलब तू ज्ञान स्वरूप है, वो भगवान तेरा मूल स्वरूप। जैसे पानी को कहे, तरंग को कहे तू सागर रूप है, ऐसे ही नानक जी कहते मन तू ज्योति स्वरूप है, तेरा फुरना है लेकिन मूल में तू ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, अमर है, आत्मा है। ओम ओम।
फूटे नहीं और फूट डाले नहीं, वैर करे नहीं और वैर ही बनाए नहीं, हृदय मधुमेह रहेगा। बाहर से सुख के गुलाम बनिए नहीं और दूसरे को बने बनाइए मत। कम से कम आवश्यकताओं से गुजारा कर लीजिए और अधिक से अधिक अंतर रस पीजिए, आप महान हो जाएंगे। कम से कम व्यक्तिगत खर्च, कम से कम व्यक्तिगत सिंगार, अधिक से अधिक सद्गुणों का सिंगार होने दीजिए। भगवान करे कि भगवान के नाते ही तुम्हारा जीवन हो, और भगवान दूर नहीं है। बोले भगवान को नहीं माने तो क्या होगा, कि दुख नहीं जाएगा, वासना नहीं जाएगी, चिंता नहीं जाएगी, बेवकूफी नहीं जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी। और भगवान को माना तो भगवान की बात को भी मानना होता है। खाली भगवान को मानते हम सुखी हो जाए नहीं, तो भगवान की बात को मानो। आप भगवान को कितना मानते हैं, जितना भगवान की। एक प्रसिद्ध वक्ता ने कहा, मैं गांधी जी को तो मानता हूँ, लेकिन गांधी जी के विचारों के साथ सम्मत नहीं हूँ। मैंने कहा इसने क्या कर दिया। प्रसिद्ध वक्ता थे, हम उनका नाम लेकर उनकी बेइज्जती नहीं चाहते। मैं गांधी जी के साथ तो सहमत हूँ, गांधी जी को तो मैं मानता हूँ, लेकिन गांधी जी के विचारों के साथ मैं सहमत नहीं हूँ। तो क्या खाक मानता है गांधी जी को? गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं, गांधी जी को तो मानता हूँ, गांधी जी के विचारों को नहीं मानता। तो ये अर्थात अब तुम मेरे विचार मानो और गांधी जी के अनुयायी अब मेरे अनुयायी हो जाओ। इस गांधी जी को मैं मानता हूँ इसलिए तुम मेरे, ये तो टैक्ट है। किसी को अपने तरफ आकर्षित करने की कलाबाजी छोड़ लो। वो मिनिस्टर का बेटा जैसे निर्दोष था, ऐसे तुम्हारा हृदय निर्दोष रहे। आनंद सहज में, भगवान सहज में, मुफ्त में मिलेंगे। कपट चालाकी सारी योग्यताएं खा, सच्चाई सारी अयोग्यता खा जाए। हाथ जोड़ते हो, जुगाड़ियों को भी हाथ जोड़ते हो। तुम्हारी जुगाड़ी बुद्धि है वो हमें पसंद है, कुछ भी काम सौंपेंगे करके आओगे, लेकिन फिर कपट का आश्रय ना लो, बेईमानी का आश्रय ना लो, अहंकार का आश्रय ना लो। जो कपटी है उन्हें फिर विकारी सुखों की जरूरत पड़ेगी। चमड़ा, हाड़, मांस, नाक से लिंट निकलती, मुंह से थूक निकलती, बदबू निकलती, और शरीर में क्या भरा है। हे मूत्र इंद्रियां तुम सुख दो, हे नाक कान तुम सुख दो। एक दूसरे की कमर तोड़कर सुखी होने वाले पति पत्नी लवर लवरी बेचारे दुखी रहते हैं। हाँ, संतान प्राप्ति के लिए मिले, संसार हुआ, लेकिन यहाँ सुख नहीं है बेटे, हर्ष है। जितना हर्ष ज्यादा लोगे उतना शोक बढ़ेगा, जितना भोग भाग भोगोगे तेजी से उतना रोग तेजी से आएगा। तो खाने पीने लेने देने भोगने में संयम बना रहे, सूझबूझ बनी रहे, भगवान की समझ से आपकी समझ मिला दो। कितनी सारी गोपियां हैं, कितनों के बीच कृष्ण रहते हैं, लेकिन गोपियां उनमें आकर्षित होकर तर जाती है, लेकिन कृष्ण विकारी होकर गिरते नहीं है। कैसी समझ है? और गोपियों को तो मैं प्रणाम करता हूं उनके चरणों में, क्या गोपियों की श्रद्धा भक्ति। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियां मथुरा है, और वो बहादुर गोपियां जीवन भर तड़पती रही, बिलकती रही, याद करती रही। आजकल तो ऐसे साधन है कि आप दिन में 10 बार वृंदावन से मथुरा जा सकते, 10 बार वृंदावन से मथुरा जा सकते, और पैदल भी 2 बार जा सकती थी दिन में। मथुरा वृंदावन कहाँ दूर है, लेकिन जीवन भर वो संयम मूर्ति गोपियां महा भक्ताणी महान आत्म विश्रांति वाली नहीं गई। श्री कृष्ण को जो नहीं अच्छा लगता वो हम क्यों करें। श्री कृष्ण में अपने मैं को मिला दिया, अपनी वासनाओं को मिला दिया। श्री कृष्ण उद्धव को भेजते कि जाओ उनको जरा ज्ञान मार्ग का उपदेश दे आओ। ज्ञानी उद्धव उन अनपढ़ ग्वाल गोपों की प्रेमा भक्ति और संयम देखकर, श्री कृष्ण के सिद्धांत से एक हुए देखकर वे उनके भक्त बन गए। गए थे गुरु बनने को, चेले बन के आ गए।
कैसा है गोप और गोपियों का कृष्ण के साथ प्रेम। उन्होंने अपना मैं, अपना ज्ञान, अपनी समझ श्री कृष्ण के चिंतन में मिला दी। गौवें तो चर रही थी, कृष्ण और अपने ग्वाल मित्रों के साथ बैठे थे। बोले बैठे बैठे क्या करोगे, आलसी या किसी की निंदा या किसी का आकर्ष, कुछ करो, क्या करें। अरे देवांगना का भाई कहाँ गया, वो रहा। भैया तुम तो जानते हो नृत्य। हाँ बोले मुझे सिखाओगे। ऐसे काहे को सिखाते हम, पहले चेला बनो। चल भैया तुम मेरा चेला, और भैया को चेला बनाया जा, भैया का चेला बनोगे। बोलो तुम मेरा गुरुजी। हाँ आप मेरे गुरुजी, मैं तुम्हारो चेलो, मोको सिखा दो। धड़कन लो, एड़ी ऐसे मारो, पंजा ऐसे लगाओ, हाथ ऐसे लंबे करो, फिर ऐसे करो, फिर ये बदलो, ये बदलो। जरा सच सिखाया और कृष्ण ने अदल बदल में कहीं चुक कर ली, धड़ाक से तमाचा मार दिया। तो कृष्ण को स्नेह करने वाले सारे इनकलाब जिंदाबाद हो गए, सब रूठ के दूर जाके बैठे। तो कृष्ण उनके संग जा बैठे। अब वो अकेला पड़ गया गुरु, नृत्य सिखाने वाला नर्तक अकेला पड़ गया। आया कृष्ण के पास, कंधे पे हाथ रखा। ये भारतीय संस्कृति के विश्वनीयता के कंधे पर हाथ रखने की कला तुम्हें सिखा दे। और मजहबों में ऐसा भगवान नहीं जिसके कंधे पर मनुष्य हाथ रख सके, जिसका गुरु बन सके, जिससे दोस्ती कर सके, जिसको छछिन भरी छाछ पर नचा सके, ऐसा और मजहबों में गॉड या भगवान नहीं है, केवल भारतीय संस्कृति में है। सब रूठ के बैठ गए, तुम भी रूठ के बैठ गए। तो मोको तुमने मार दी थप्पड़, तो सबको अच्छो नहीं लगो, मोको भी अच्छो नहीं लगो। तो क्या जरूरी है क्या चेले को जो अच्छो लगे वही गुरु करे। चलो गलती करेगा तो पीटोंगो, मारेंगे। तुम मोको गुरु माने कि नहीं माने तू बोल। मैं तो मानता हूं, तो गुरु की बात माने कि नहीं माननी पड़े, माननी पड़े। तो चल उठ कर नहीं, फिर से सीख। कृष्ण चले गए तो मैं तो जा रहा हूं। तो बोले हम भी आते। कहां है राग और कहां है द्वेष, आप अपना ज्ञान भगवान के ज्ञान में मिला दीजिए ना, फिर से हाथ जोड़ता हूं। भगवान कहां राग द्वेष रखते हैं। मम ईवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सब मेरे स्वरूप है, सब सनातन है। मरना मिटना तो ये माया का खेल है, शरीरों का है, अष्टधा प्रकृति में है। आप अष्टधा प्रकृति नहीं है, भगवान कहते हैं। भगवान के ज्ञान में अपना ज्ञान मिला दो। भगवान कहते हैं भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतिव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पांच भूत मन बुद्धि और अहंकार, इस पांच तीन सूक्ष्म भूत, इनसे मैं अलग हूं। तो भाई साहब आप भी तो अलग हैं। शरीर मर जाता फिर भी आप रहते हैं, मन बदलता है तब भी आप जानते हैं, बुद्धि बदलती है तब भी आप जानते हैं, अहंकार बदलता है तब भी आप जानते हैं। तो भगवान के ज्ञान के साथ आपका ज्ञान एक है ना, मान लीजिए ना, कोई कठिन है क्या। आप जो कर सके वही वेद कहते हैं, आप जो कर सके वही भगवान कहते हैं, और मैं भी वही कहता हूँ। आप नहीं कर सके और हम अपनी भाषणबाजी से आपको इम्प्रेस करें, ऐसी बेवकूफ से गुरु ने बचा लिया है। जो आप कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, वही भगवत प्रसाद या मति से भगवान देते हैं। तो मान लीजिए ना भगवान की बात, भगवान के ज्ञान के साथ अपना ज्ञान मिला दीजिए, भगवान की मैं के साथ अपना मैं मिला दीजिए। अलग से प्रेम साई काय को बनते, नारायण काफी है, मैं नारायण हूं पर्याप्त है। प्रेम साई फलाने साई इस तिकड़म में क्यों पड़े बच्चे, मैं फलाना साई हूं नहीं है। जो है वो भी आरोपित है, नया आरोप काय को, जो पहले दिया वो कम नहीं है, जो पहले कल्पनाओं के बोझे उठा रहे वो कम नहीं, नया बोझा क्यों बना रहे। मैं फलाना, मैं ढींगना, टाइटल 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 ले, ये आपको तो भाषण के रूप में मैं बोल देता हूं, लेकिन मैंने भी ये बेवकूफी की थी। कानपुर में रामायण वेदांत का प्रवचन सत्संग था, गुरुजी को आमंत्रण था, गुरुजी नहीं जा पा रहे थे तो मेरे को भेज दिया। अब मैं तो कितना पढ़ा हूं, बोल बोल के थका।
सलान फलाने फलाने न्याय वैशेषिक आचार्य वेदांत आचार्य 1008 महामंडलेश्वर आपको संबोधित करेंगे। अब मेरा वार आया तो मेरे से पूछा कि आपकी क्या टाइटल, मेरे क्या लीलाशाह का भेजा हुआ शिष्य, तो ये आसाराम महाराज आए हैं स्वामी लीलाशाह जी के प्रतिनिधि सर। तो मैंने प्रवचन तो किया, सत्संग किया, लेकिन मेरे को भूख जगी कि ये इतने टाइटल वालों के बीच में मेरे को भी जीना रहना है। तो मैंने ठान लिया कि मैं वेदांताचार्य बन जाऊं। तो उसमें प्रस्थान त्रय होते हैं, उपनिषद की व्याख्या किस किस महापुरुष की कैसी वो देखना होता है, ब्रह्मसूत्र और गीता। तो दर्शन महाविद्यालय ऋषिकेश में था, डिवाइन लाइफ के नीचे अभी भी वो जगह है थोड़ी बहुत, उसमें मैं भर्ती हो गया वेदांताचार्य, मतलब एमए की परीक्षा देने को। इसमें क्या बड़ी बात है, तीसरी वाला एमए सीधा हो जाए, ऐसा था व्यवस्था। तो कुछ दिन तो पाठ पढ़ा, आचार्य पढ़ाते थे, फिर तुम हमारे तरफ से अभिप्राय व्याख्या सुनते थे। तो गीता के 6 अध्याय की व्याख्या उन्होंने बताई, फिर मैंने की अपने ढंग से। तो बोले आप तो पहले वेदांत की परीक्षा दे चुके हैं क्या? मैं कह नहीं, मैं तो पहली बार इधर आया। नीचे एक साधु रहते थे कहीं गंगा किनारे, शाम को मैं उन्हें जाता तो मिलते, वो भी MBBS होकर फिर साधु बन गए थे। मेरे को पूछते कि मेरे आंखों में उन्होंने देखा तो हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ा। एक दूसरे को मानो पुराने पहचानते हो, फिर तुमको कैसे साक्षात्कार हुआ, हमको कैसे हुआ, ये बातें हुई। फिर वो मेरे से चुटकी लेते थे, अच्छा आप भी पढ़ने आए, अभी पढ़ना बाकी है। मैं क्या बाकी तो नहीं है, लेकिन ये व्यवहार में थोड़ी डिग्री बिगड़ी मिल जाए तो। बोले अच्छा अभी डिग्रियों की जरूरत है, ऐसा करके चुटकी लेते। तो जब आचार्य ने मेरे से पूछा कि तुमने पहले कहीं आचार्य की परीक्षा दी हुई है क्या, मैं क्या नहीं, मैं तो पहली बार। बोले आपने तो बहुत अच्छी व्याख्या की, वल्लभाचार्य शंकराचार्य रामानुजाचार्य की व्याख्या सुनते थे हम। फिर शाम को गया, बोले अभी तक पढ़ रहे हो? मैं क्या नहीं, पूरा हो गया। वहां से फिर चल दिया, क्या करना है सर्टिफिकेट ये वो। तो मतलब ये वासना तो हमको भी सताती थी कि ये हो जाए ये हो जाए, तो आपको मैं बुरा कैसे मानूंगा। लेकिन मैं हाथ इसीलिए जोड़ रहा हूँ, ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ कि आप भी थोड़ा भगवान के ज्ञान से अपना ज्ञान मिला दीजिए, भगवान के प्रीति से अपनी प्रीति मिला लीजिए, भगवान के मैं से अपना मैं मिला दीजिए, और भगवान आपको जैसा देखना चाहते ऐसा आप अपने को मानना शुरू कर दीजिए। भगवान आपको दीन हीन दुखी पापी पुण्यात्मा सेठ साहूकार ऐसा नहीं देखना चाहते। भगवान शराबी आपको शराबी देखना चाहता है, जुआरी आपको जुआरी देखना चाहता है, भंगेड़ी आपको भंगेड़ी देखना चाहते है, और ब्रह्म आपको ब्रह्म देखना चाहता है। बाप ऐसा बेटा, भगवान आपको मुक्तात्मा देखना चाहते हैं। तो आपके बाप का क्या बिगड़ेगा? आप दुख में मत लिप्त होइए, सुख में मत लिप्त होइए, उसमें दोनों में आप मुक्त हैं, अपनी मुक्तता में रहिए, भगवान ये चाहते। आप वस्तु व्यक्ति की अधीनता का सुख लेकर जीव जंतु मत बनिए, अपने ब्रह्म सुख में रहिए, भगवान चाहते आप रहिए, बस हो गया आपको ही फायदा है। भगवान की चाह में आप अपनी चाह मिला दीजिए, आप ही को फायदा है। देखो संतों की उदारता कैसी, राम सुखदास जी मेरे को हाथ जोड़ते, मुझे हाथ जोड़नी चाहिए पहले, वो मेरे को जोड़ते। बोले आप एक बात मेरी मान लो, मेरे को बहुत फायदा होगा। मैं अंदर समझ गया, जैसे माँ और बाप और गुरु या हितेशी हाथ जोड़ के भी हमारा मंगल चाहते, ऐसे राम सुखदास जी ने वोट रख ली मेरे। आप एक बात मान लीजिए, इससे आपको भी फायदा होगा, मेरे को भी फायदा होगा, समाज को बहुत फायदा होगा। लेकिन मैं समझ गया, मैं कहा हाँ महाराज जी जो क्या उन्होंने कही, लेकिन मैं मान नहीं पा रहा हूं।
अभी भी आप ले आते हो ना तो मेरा मन ढीला है, बोले तो आपकी इच्छा नहीं है लेकिन लोगों के लिहाज लिहाज में आप ये लेने देने से इसको छोड़ दीजिए, ये मैं चाहता हूँ। और उन्होंने कहा, मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन आप लोग मेरे पीछे ऐसा पड़े हैं कि जो वो उन्होंने कहा भगवान चाहते मैं चाहता हूँ उसमें आप मुझे विफल कर रहे हैं। बापू जी से मिले, ये ले लो, आपके लिए बनाया ये ले लो, उड़ीसा से आया हूँ ये ले लो, फलाना बना ये ले लो, ये पाक है ये खाओ ये ले लो। अब मैं खाने और लेने बैठूं तो मेरे में और पुजारी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ये खजाना कैसे बांटूंगा। फिर भी धाड़ धाड़ जल्दी लाइन चलाओ, ये लो ये दो ये लो। अभी झंझट में पड़ा तो हाथ जोड़ने में एक बार ये भी हाथ जोड़ता हूँ, इस झंझट से आप ही मुझे मुक्ति दिलाओ। राम सुखदास जी तो दिलाना चाहते थे और मैं भी चाहता था, लेकिन अभी भी मैं इससे मुक्त नहीं हो रहा। लेन देन का जरा झंझट आप बंद करो, ये लो आए मिले। कोई भगवत प्राप्ति के रास्ते की कोई तकलीफ हो या कोई सहयोग चाहिए तो मैं हाजिर हूं, लेकिन ये लो ये पहनो ये खाओ ये करो इससे माफी दे दो। इकट्ठा होता है फिर आदिवासियों में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, तो अपने में आने का समय मारा जाता है। हम जितने अपने आप में रहेंगे उतना आप लोगों के लिए ही आएगा खजाना। कुछ लोग पीछे लग जाते, श्रद्धा तो है लेकिन गोपियों जैसी श्रद्धा, उसके आधे भी श्रद्धा होता गोपों जैसी तो कहां ही पार हो जाते। जो बाप की न माने, माँ की न माने, पिता की न माने, पुत्र की न माने, पति की न माने, मेरी न माने, वो आजकल पीछे लग जाते हैं। बापू का जहाँ सत्संग करो टूर, ऐसे लुफंगे मन के जो लोग हैं वो भी बड़ा विघ्न करते। आवारा न वरती थी आवारा, जो किसी की बात से अपनी जिद ना छोड़े वो आवारा लोग। आवारा लोगों की भी भीड़ हो गई बहुत, हालांकि सभी लोग हैं नहीं, जितनी करोड़ों में श्रोताओं की भीड़ है उसके अपेक्षा आवारों की तो गिनती भी नहीं हो सकती। 5-25 होंगे, करोड़ों दो दो करोड़ साधक हैं तो 10-20-50 आवारा या निंदक 100 मिल जाए तो कोई टकावारी नहीं निकल सकती। 2 करोड़ में 40 आदमी आपके एंटी बोलते तो कितनी टकावारी होगी। 1% बनेगा क्या, आधा % बनेगा क्या, ऐसा है। नारायण हरि हरि ओम हरि। कल सुबह के लोग आए थे और शाम को दर्शन की लाइन लगी थी, आज भी आप लोग यहाँ हैं। अमेरिका वालों ने पूर्णाहुति कर ली होगी। आप सभी को मैं शिव जी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। 7-7 घंटे बैठे थे अमेरिका वाले कि बापू जी का सत्संग आएगा फिर हम पूर्णाहुति करें। तो मैं आप सभी को, बोस्टन वालों को और दूसरे सभी जो अमेरिका में सुन रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर, सभी को धन्यवाद देता हूँ। रशिया अमेरिका जो भी सभी देशों में लोग सुन रहे हैं, आपके माता पिता धन्य है आपका। मैं तो सोचा 10-5 मिनट सत्संग करके जो और देशों में बैठे आस लगाए उनको संतुष्ट करके लाइन चलाऊंगा, लेकिन तुम्हारा संयम, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारे सुनने की उत्कंठा, प्रीति और इधर सुनाने वाले की धारा चल रही है तो चल रही है। कैसा है जादू। अब सुरेश बाप जी भी आजकल नए नए ऐसे कुछ सिखामन देते, सुरेश बापू का भी 2 वचन सुन लेंगे जो देश विदेश में सुन रहे हैं, सुरेश आनंद का भी सुनेंगे। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, जोगी रे क्या जादू है तेरे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। तो प्यार ज्ञान और जोग आपके जीवन में बढ़े। नारायण हरि हरि ओम हरि। जीभ तालु में लगा दो और श्वास अंदर जाता है उसको देखो, बाहर आता है उसको गिनो, अथवा तो जो सुना है उसको अपना बना लो। थोड़ी देर कुछ ना करो, लाइन में नहीं लगोगे, हाँ अभी लाइन में नहीं लगना, कुछ मिनट और सही।
थोड़ा विश्रांति योग एकाग्रता का प्रसाद पालो। सत्संग सुनने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही बैठ जाना चाहिए ताकि उस जैसे दही डालने के बाद दूध को थोड़ी देर ऐसे ही रहना चाहिए तो दूध दही हो जाएगा, ऐसे जीव ब्रह्म हो जाए मर्मुख है। बस सत्संग से जितना सुलभ ईश्वर प्राप्ति हो सकती उतना किसी साधन से नहीं हो सकती। कितना भी योग करो, कितना भी व्रत करो, कितना भी दान करो, कितना भी तप करो, ईश्वर प्राप्ति सत्संग ऐसे सत्संग तत्व ज्ञान के उससे जितनी सुलभ हो सकती है, उन्नति सत्संग से जितनी तेजी से होती है, सुलभ होती है, और जितनी ऊंचाई तक सत्संग ले जाता है ब्रह्म ज्ञान का, उतना और साधन नहीं ले जा सकता। 60,000 वर्ष तपस्या रावण की, हिरण्यकश्यप की, ईश्वर के साथ मिलाने में सहायक नहीं हुई। अलग अपना वर्चस्व, अलग विशेषता बनाई, मारे गए। और शबरी ने गुरु का थोड़ा सा निधि लिया और अपना मैं ईश्वर में मिला दिया। ईश्वर उसके झूठे बेर खाने को आह्लादित हो रहे, आनंदित हो रहे। मीरा ने रहीदास की समझ में अपनी समझ मिला दी। धन्ना जाट ने वो भंगेड़ी कथाकार की आज्ञा में अपने को लगा दिया, बस हो गया बेड़ा पार। आज्ञा देने वाला गुरु की जगह पर वो भंगेड़ी था, लेकिन इन्होंने गुरु मानकर ना कर निलाई हो, खिला कर खाई हो। धन्ना जाट लग गयो तो लग गयो, कर्मा भाई खाई लो खिचड़ लो, वो नंदरा कुमार भगवान को प्रकट करने में भी सक्षम हो गई। भगवान को भक्ति का फल ये नहीं कि आपको धन मिल जाए, सत्ता मिल जाए, भगवान मिल जाए, नहीं नहीं, भक्ति का फल इससे बहुत ऊंचा है। ये तो बहुत छोटे खिलौने हैं। वैदिक भक्ति में अनुरागा भक्ति आ जाए, अनुरागा से प्रेमा भक्ति आ जाए और पराभक्ति आ जाए, भक्ति से भक्ति मिले और आप ईश्वर से विभक्त न हो, ये भक्ति का फल है। धन मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, फलाना मिल जाए, जो मिलेगा वो बिछड़ जाएगा। रावण को जो भी मिला बिछड़ गया। भक्ति का फल है कि जो कभी न बिछड़े, ऐसा परम धन मिल जाता है, मिला हुआ है पता चल जाता है। भागो ही भक्ति, अनित्य और नित्य का भाग करके तुम्हारे अंतःकरण में अनुभव करा दे, ये भक्ति। तुम क्या हो और उलझे कहां हो, समझ पड़ जाए बस। ये अष्टमी आठ प्रकार की उपासना भगवान ने बताई, मूर्ति की उपासना, जल की उपासना, सूर्य चंद्रा की उपासना, अग्निदेव की उपासना, ब्राह्मण की उपासना, वैदिक संस्कृति की उपासना, इस सब में सर्वोपरि ब्रह्मवेता आत्म साक्षात्कारी की उपासना। बोले तो साक्षात मेरे भी आदरणीय है, मैं भी अवतार लेकर उन्हीं के चरणों में शीश नवाता हूं और उन्हीं के ज्ञान से तृप्त होता हूं, ऐसा ब्रह्मवेता का आदर अपने जीवन का आदर है, अपनी सात पीढ़ियों का आदर है। जो ब्रह्मवेता आत्म साक्षात्कारी गुरु की निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, उनको बड़ा भारी दंड देती है प्रकृति। और जो अवहेलना वाले को दंड देती है तो आगे पालने वाले को तोहफे तो देती है, आपको तोहफे मिल ही रहे हैं। इतना किसी भी तपस्या से आप आज इतना कमाई नहीं कर सकते जितना सत्संग से हो रही है। कितने भी जप उपवास व्रत से इतना लाभ नहीं होता जो आज हो रहा है आपको। भले अभी बच्चे हो, हीरे जवाहरात की कदर नहीं है या समझते नहीं, लेकिन आज के सत्संग को अगर आप तोलने बैठे तो ऐसी कोई तराजू ही नहीं है। ब्रह्मा जी बना नहीं सकते तराजू, बनाएंगे तो वो तगड़ी टूट जाएगी, क्योंकि अनंत को तोलने वाला अंत वाला तराजू है, वो सफल नहीं होगा। आपको इतना लाभ हो रहा है,
इसलिए मैं भी आपकी भूख प्यास की परवाह किए बिना, अपनी भूख प्यास की परवाह किए बिना बैठा हूँ, बोले जा रहा हूँ। न जाने किसको कौन सा शब्द लग जाए। कोई शब्द न भी लगे तभी भी मेरा संकल्प तो है ना, आपका मंगल हो, संकल्प तो काम करेगा। आपके मंगल के लिए बोल रहा हूँ। वापिस नारायण 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 ओम ओम शांत आत्मा चैतन्य आत्मा हे मधुमय ईश्वर मेरा मैं आपकी मैं में अर्पण। हे मधुमय परमेश्वर मेरी इच्छा आपकी इच्छा में स्वाहा। हे सुखमय ज्ञानमय नित्य चैतन्य मेरी होशो जल जाए, जो भी मेरी इच्छाएं बेवकूफियां हो जल जाए, तुम्हारी इच्छा और समझ है वो रह जाए। इतना कर लो महाराज, मैं नहीं कर पाता हूं तुम्हारी शरण, बस इतना ही तो कहना है। आपके जिम्मे नहीं है, आप ऐसा हो जाओ सुधर जाओ ऐसे बन जाओ। आप अपने बल से सुधर जाते तो अभी तो सुधरे हुए होते। दुनिया में 125 करोड़ या 550 करोड़ लोग हैं, उसमें से एक भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो कह दे कि मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए किया था, फलाना काम दुखी होने के लिए कर रहा हूं, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। फिर भी सब दुखी के दुखी है। आपकी समझ से अगर दुख मिटते तो अभी कोई दुखी नहीं होता, कोई दुख नहीं चाहता। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी समझ भगवान की समझ में जोड़ दीजिए, अपना सुख भगवान के सुख में जोड़ दीजिए, अपना ज्ञान भगवान के ज्ञान में मिला दीजिए, अपनी मांग भगवान की मांग में अर्पण कर दीजिए, अपनी तुच्छ मांग छोड़ दीजिए, जो भगवान मांग रहे हैं वही पूरी हो। बच्चा अपना भला इतना नहीं समझ सकता है, इतना अपना भला नहीं कर सकता है जितना उसकी माँ उसका भला समझ सकती और कर सकती। कभी तमाचा भी मारती है और कभी मसल मसल के नहलाती भी, कभी प्यार पुचकार भी करती और कभी उदासीन भी रहती। ऐसे परिस्थितियां जो भी आए समझ लेना माओ की माँ तेरी मर्जी पूर्ण हो, तो दुख कहाँ रहेगा। फरियाद में तो दुख है, अपनी मान्यता अपनी हेकड़ी अपने अनुसार नहीं होता तभी दुखी है। भगवान के अनुसार होने दो, मौज ही मौज है। हम भगवान को मानते हैं तो ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, तो तुमने अपनी हेकड़ी जमाई। भगवान को नहीं मानते, भगवान को अगर मानते तो भगवान की बात मानिए। मम ईवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तुम सनातन हो। आने जाने वाला सुख दुख नश्वर है, रहने वाला शरीर पानी का बुलबुला है। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभा। कोई संसार में सुखी रहना चाहे तो पागल है। सरकती हुई चीजों नश्वर चीजों से जो शाश्वत सुखी रहना चाहता है तो बिल्कुल गलत बात। उपयोग कर सकते हो लेकिन उपभोग करके आप सुखी नहीं रह सकते। उपयोग हुआ तो स्वास्थ्य के लिए खाना खाया लेकिन उपभोग किया तो ज्यादा खा लोगे। उपयोग किया गृहस्थी जीवन का तो बेटे को जन्म दोगे, उपभोग करोगे तो अकारण एक दूसरे की कमर तोड़ोगे। उपयोग करोगे तो धन का अपने लिए दूसरे लिए आनंद रहेगा, उपभोग करोगे तो इकट्ठा कर करके थक के टेंशन में मर जाओगे। तेन त्यक्ते न भुंजिता, त्याग से जियो, त्याग से भोगो, संयम से भोगो, ईश्वर की नियति से लो दो खाओ, मौज ही मौज। अभी ऐसे ही मौखिक बोलते जाओ शांति में, म्यूजिक मत बजाओ, ऐसे ही बोलो थोड़ा।
तुम लोग जीभ तालू में लगाओ, सुरेश बाबू के नए नए जो त्रास मिले उसका मजा लो। अथर्ववेद में ब्रह्म विद्या को मधुमय विद्या बताया, अथर्ववेद में ब्रह्म विद्या को मधुमय विद्या बताया, जोगी ने वही विद्या देकर जीवन मधुमय बनाया, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। आप मन में बोलेंगे अथर्ववेद ने ब्रह्म विद्या को मधुमय विद्या बताया, जोगी ने वही विद्या देकर जीवन मधुमय बनाया, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। प्रियकर की ममता को छुड़ा कर हितकारी पथ है दिखाए, प्रियकर की ममता को छुड़ा कर हितकारी पथ है दिखाए, शुद्र सुखों का मोह छुड़ा कर दिव्य मधुरता दिलाए, शुद्र सुखों का मोह छुड़ा कर दिव्य मधुरता दिलाए, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरे नाम से सुबह शुरू हो शाम ढले तेरे नाम से, तुम्हारे नाम से सुबह शुरू हो शाम ढले तेरे नाम से, है ना। सुरेश बाब जी का भी एकदम नवीन, ये प्रभु तुम्हारे नाम से शुरू हो और शाम ढले तुम्हारे नाम और ज्ञान से। हाँ, तुम बिन कुछ ना याद रहे प्रीति बढ़े गुरु ज्ञान में, तुम बिन कुछ ना याद रहे प्रीति बढ़े गुरु ज्ञान में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्रेम में। सांसों की माला से जोगी सुमिरे नाम तुम्हारा, सांसों की माला से जोगी सुमिरे नाम तुम्हारा, सुमिरन से ही मिट जाता है दुख संताप हमारा, सुमिरन से ही मिट जाता है दुख संताप हमारा, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। आती दिवाली वार्षिक है आकर वो चली जाती, जोगी के दर पे नित है दिवाली जीवन में ठहर वो जाती, जोगी के दर पे नित है दिवाली जीवन में ठहर वो जाती, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। आनंद मंग
मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा प्रेम धरिने मारे मंदिर पधारो प्रेम धरिने मारे मंदिर पधारो सुंदर सुखड़ाए वाला सुंदर सुखड़ाए आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा जीने आंगन तुलसी नो प्यारो जीने आंगन तुलसी नो प्यारो शालिग्राम नि सेवा शालिग्राम नि सेवा आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा अड़सठ तीरथ संतों न चरने अड़सठ तीरथ संतों न चरने गंगा यमुना रेवा गंगा यमुना रेवा आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतनि सेवा संत मणे तो महासुख पावे संत मणे तो महासुख पावे गुरु जी मणे तो मेवा वाला गुरु जी मणे तो मेवा आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा कहे प्रीतम जेने हरि छेवाला कहे प्रीतम जेने हरि छेवाला हरि ना जन हरि जेवा वाला हरि ना जन हरि जेवा आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा स्वामी मोहे न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हम सब तुमको बहुत है तुम सब हमको नाए दीन दयाल को बेनती सुनो गरीब नवाज जो हम पूत कपूत है तो है पिता तेरा हरी हरी ओ।